मथुरा के कृष्णा नगर में बिना पंजीकरण के संचालक जीवन ज्योति हॉस्पिटल की एक अधिवक्ता द्वारा करीब माह पूर्व सीएमओ से शिकायत की गई थी, मगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसी उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार एक एक कदम फूंक कर रख रही है। सभी मानक पूरे होने के बाद ही हॉस्पिटल और अस्पतालों को मान्यता दी जाती है, लेकिन मथुरा जनपद में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते तमाम हॉस्पिटल बिना मान्यता के ही संचालित है। ऐसा एक हॉस्पिटल मथुरा शहर के बीचों बीच कृष्णा नगर में जीवन ज्योति हॉस्पिटल के नाम से संचालित है। एक अधिवक्ता द्वारा इसकी शिकायत करीब एक माह पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक हॉस्पिटल बदस्तूर संचालित है। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम प्रभारी दीप सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा इस मामले में हॉस्पिटल संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। जवाब आ चुका है, अब उन्हें दोबारा नोटिस दिया जा रहा है और उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। शिकायत मिलने के एक माह बीत जाने के बाद भी अभी केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस ही भेजे जा रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल संचालक रोजाना हॉस्पिटल में मानकों के विपरीत संचालन करते हुए है और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। बताया गया है कि इस हॉस्पिटल के दो मंजिले भूमिगत है और वहां अग्निशमन संयंत्र भी नहीं है और अग्निशमन विभाग से इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। हमारे संवाददाता मथुरा ब्यूरो चीफ टाइम्स की खास रिपोर्ट। कृष्णा नगर में जीवन ज्योति है, अभी बिना पंजीकरण के वो हॉस्पिटल चल रहा है, मरीज आ रहे दिखा रहे हैं, उस पर आपके यहाँ से नोटिस भेजा गया, उसका कोई जवाब आया अभी तक? देखिए, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है कृष्णा नगर में, उसको हमारे द्वारा एक नोटिस दिया गया था और उसको वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए और रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए उसको समय दिया गया था। उसके उपरांत जब उनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए एक अप्लाई किया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अप्लाई कर दिया गया, लेकिन वो अभी पुराना अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पाए, उनको पुनः दोबारा एक नोटिस दिया जाएगा। अगर इसके उपरांत भी वो नहीं दिखाएं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जब तक पंजीकरण नहीं है तब तक वो अस्पताल संचालित कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर उनके रजिस्ट्रेशन दिखवाते हैं, अगर संचालित हो रहा है तो उसको हम चेक कराएंगे और चेक कराने के उपरांत अगर पाया जाता है तो कार्रवाई करें। मानक भी पूरे नहीं, अग्निशमन का पर्याप्त नहीं है, दो मंजिल नीचे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। नहीं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट लगाए हैं, अगर नहीं, अगर उसमें वैलिड होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। इसको संबंध में तो एक महीने पहले शिकायत आई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, लगातार कार्रवाई की जा रही है, नोटिस समय से दिए जा रहे हैं, समय दिया गया था, समय के उपरांत अगर नहीं दिया था तो वार्निंग दी जाती है, वार्निंग के उपरांत भी उसको लगातार फिर दो नोटिस और दिए जाएंगे, अगर वो नहीं दिखा पाता है नहीं और उस पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो सीलिंग की कार्रवाई या जो भी आवश्यक कार्रवाई वो की जाएगी। कब होगी ये सीलिंग कार्रवाई, दूसरे नोटिस के कितने समय? देखिए, आज हम संभवतः देखते हैं या हॉस्पिटल को दिखवाते हैं कि वो चल रहा है कि बंद है, क्योंकि हमारे द्वारा उसको बंद करने के लिए कहा गया था।